स्टार्ट कीजिए मिस। स्टेट लेवल जूम लाइव लेसन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेट सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल श्री राजू आमिर तड़वी एंड अंडर गाइडेंस ऑफ अवर रिस्पेक्टेड बीओ इकबाल शेख उर्दू प्राइवेट प्राइमरी स्कूल एंड लेसन प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ इस एक्सपर्ट शेख सुनहरा एंड अवर माइक्रो ऑब्जर्वरी इज मिस्टर खालिद शेख, क्लास फोर्थ एडेड उर्दू प्राइमरी सेक्शन एंड सब्जेक्ट EVS 1 and I'm from Pathanwadi Urdu Primary School, Malad East. Brahan Mumbai Municipal Corporation Online Education Urdu Medium में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है। Standard 4th subject EVS 1 और आज डेट है 12 जनवरी 2022 और हमारे लेक्चर का टाइम है 8:55 टू 9:40 एंड आई एम योर एक्सपर्ट टीचर शेख सुनहरा और हमारे CNO है जावेद मकसूद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह ताला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा अता फरमाओ। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। वालेकुम सलाम टीचर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मिस। अच्छा बच्चों, आज जो है टीचर आपको जो लेसन रह गया है, लास्ट वीक आपने जो सबक पढ़ा है उसी का ही जो पार्ट रह गया है हाफ, वो आज पढ़ाने वाले हैं आपको EVS 1 में। ठीक है, आपको तो पता ही होगा लास्ट वीक आपने कौन सा लेसन पढ़े हैं। कौन सा सबक पढ़ा है आपने लास्ट वीक, सबक नंबर 20? मेरी जिम्मेदारी और हसासियत। जी हाँ बच्चों, मेरी जिम्मेदारी और हसासियत, इस सबक का हाफ पार्ट आपको फरहीम मिस जो है वो पढ़ा चुके हैं, उसका कुछ हिस्सा रह गया है वो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले हम उसका छोटा सा एक थोड़ा सा एक आपकी याद दहानी के लिए एक रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे पिछले सबक को और साथ ही जो है आज भी आज का जो बच गया है पार्ट वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके टीचर। ओके तो बच्चों, हमने हाँ आपने लास्ट वीक क्या क्या सीखा था ये तो पता ही होगा, आपको याद ही होगा। तो अब टीचर आपको कुछ तस्वीरें बताएंगे, तो तस्वीरें देखकर तो आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे खानदान और इलाके के अफराद की दिक्कतें समझना, हाँ वक्त पड़ने पर उनकी मदद करना, ये हसासियत किसे कहते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? यस और हमारे अतराफ में या खानदान में जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनसे मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना, और जो हसासियत होती है, हसासियत के तई जो है हमारे अंदर क्या जिम्मेदारी जो है, हमारे अंदर क्या मदद करने का जज्बा पैदा होता है, ये सब जो है वो आप पढ़ चुके हैं। तो एक बार एक छोटा सा जो है हम थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। चलिए ये बताइए बच्चों, इस तस्वीर में जो है इस तस्वीर को देखकर आपके क्या समझ में आ रहा है? मिसादी को रोड पार करने का है, जो एक लड़की करवा रही है। हाँ, एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ी औरत है, उनको जो है एक लड़की रोड पार करवा रही है। अच्छा, इस तस्वीर को देखकर आपके क्या जहन में बात आ रही है बच्चों? एक लड़का दूसरे लड़के को उठा रहा है क्योंकि वो गिर गया है। वेरी गुड, शाबाश। ये तस्वीरें जो है आपने लास्ट वीक देखी थी, मिस ने आपको बताया था। यस मिस। यस टीचर। अब तीसरी तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? एक लड़का गिर गया तो दूसरा लड़का उसे बचा रहा है।
अच्छा दूसरा लड़का उठा रहा है। तो बच्चों देखिए इन तीनों तस्वीरों में जो है सेम चीज है, क्या है, कैसी बात है, कोई बता सकता है? कर ले। वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आंसर दिए आपने। इन तीनों तस्वीरों में एक बात सिमिलर है, एक बात सेम है, वो क्या है कि तीनों में जो है ये लोग एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हाँ, इन ये देखिए दादी जो है ये रोड क्रॉस नहीं कर सकती, रोड पार नहीं कर सकती है, तो इनकी तकलीफ को, इनकी परेशानी को समझकर इस बच्ची ने क्या की, इनकी मदद की। यहाँ पर ये लड़का गिर गया है, हाँ ये लड़का गिर गया है, इसकी तकलीफ को समझते हुए, इसकी मुश्किलात को समझते हुए दूसरे बच्चे ने जो है उसको उठाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर भी ये लड़का गिर गया है, ये दूसरा बच्चा उसको उठा रहा है। तो इन्हें यहाँ पर इन तीनों तस्वीर में एक बात जो है वो एक है, सेम है कि यहाँ पर जो है वो मदद की जा रही है। तो बच्चों जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है, एहसास, हमें एहसास होता है ना, हम दूसरे को जब तकलीफ में देखते हैं तो हमारे अंदर एहसास, हमारे अंदर जो है एहसास का जज्बा जो है वो पैदा होता है, होता है या नहीं? जब हम किसी को गम में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं तो हमें एहसास होता है ना, और जब हम उसकी मदद करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलती है, खुशी, खुशी मिलती है। देखिए आप इसकी मदद करते टाइम पर चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, हाँ इस लड़की को भी, इसका चेहरा भी जो है वो खुश नजर आ रहा है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो हमें दूसरों की जो बच्चों मदद करते रहना चाहिए। अब आपको एक बात और ये बताई जाएगी कि जो आपने एक कहानी, एक छोटी सी जो है टीचर ने आपको बताए थे, दीबा की सालगिरह थी, क्या हुआ था दीबा की सालगिरह पर? टीचर दीबा की सालगिरह थी, हाँ? और दीबा की सालगिरह थी, उसने अपने सहेलियों को बुलाई थी घर में, क्योंकि उसके घर पे पार्टी रखी गई थी। अच्छा, और उसके बाद हाँ, अपने तो उसके दोस्तों आने के बाद देवा ने ऊंची आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। और फिर इतने में ही पड़ोस के घर के दादाजी आए और उन्होंने देवा से कहा कि देवा मेरा हाई ब्लड प्रेशर कम है, हाई प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तुम आवाज कम कर दो। देवा के घर में होने वाली ऊंची आवाज, लेकिन देवा ने बंद नहीं की, तो फिर देवा के घर से ऊंची आवाज लगाने की आवाज सुनकर दादाजी के दिल धड़कन बढ़ गई और उन्हें तकलीफ होने लगी। दादाजी को तकलीफ ना हो इसलिए देवा ने फौरन गाने की आवाज कम कर दी। वेरी गुड, एक्सीलेंट अजका फातिमा, अजका फातिमा ही हो ना बेटा आप? यस टीचर, मैं अजका फातिमा ही। हाँ अजका फातिमा, यहाँ नजर आ रहा है अजका फातिमा आंसर दे रही है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे से आपने बताया कि दीबा की सालगिरह थी और दीबा ने जो है अपने दोस्तों सहेलियों को मधु किया था और उनके आने पर दीबा ने क्या ऊंची आवाज में जो है वो गाने बजाना शुरू कर दिया था और सब हंस बोल रहे थे, लेकिन ये जो पड़ोस में जो दादाजी थे उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। तो जो बच्चों जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको जो ऊंची आवाज होती है उनसे उन्हें तकलीफ होती है, उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। तो उन्होंने आकर दीबा से क्या कहा कि आवाज कम कर दो, दीबा ने उनकी तकलीफ को समझते हुए क्या की, फौरन जो है वो गाने की आवाज जो है वो उसने दीबा ने क्या की, कम कर दी। तो यहाँ पर इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों कि दीबा को क्या, दीबा ने क्या किया, दीबा ने दादाजी के लिए अपना, हाँ बोलिए, उसने अपनी गलती समझी। वेरी गुड, उसने दादाजी को और तकलीफ ना दी। वेरी गुड, दादाजी को और तकलीफ ना देते हुए उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा बच्चों।
हमारी जिम्मेदारी है ना ये कि हमें दूसरों की तकलीफों को समझना चाहिए। हाँ हमारी हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे बर्ताव से जो है वो लोगों को बुरा लगता है, लोगों पर हमारे बर्ताव का जो है वो असर होता है, तो इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो दीबा ने अपनी जो है इस बर्ताव को समझा, उसकी जो जिम्मेदारी थी उसको समझते हुए अपने पड़ोसी का जो है वो हक अदा किया और दादाजी को बात को मान लिया और फौरन जो है वो गाने की आवाज उसने कम कर दी। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और किसको एक गलती का अपने एहसास हुआ था? एक और लड़का था जो टीवी देखता था और अपनी दादी से जो है वो सही ढंग से बात नहीं कर नाम का एक देखता था मगर अपनी लड़का दादी था, से प्यार नहीं करता था ना ही लेकिन बात करता था। उसके हाँ मम्मी ने उसको समझाया तो वो अपने दादी से बात और प्यार दोनों करने लगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छे। आप लोगों को अच्छे से याद है, माशाल्लाह, लेसन अच्छे से याद है, आपने जो पढ़ा है आपको याद है। तो बच्चों हमारे खानदान और इलाके के अफराद की दिक्कतें समझना यानी मुश्किलात को समझना और वक्त पड़ने पर उनकी मदद करना यही कहलाता है बच्चों हसासियत। देखिए ये राहिल है, हाँ उसकी दादी उसको चुप चुप कर देख रही है, दादी काफी उदास है, राहिल अपना टीवी में मशगूल है। हाँ जब वो अपनी दादी से जो है वो सही मुंह बात भी नहीं करता था, हाँ कि कब खाना खत्म हो जाए, वो दादी उसको खाना देती स्कूल से आने के बाद, तो वो हमेशा टीवी पर कार्टून शो देखते रहता था। हाँ तो दादी माँ को बहुत बुरा लगता था क्योंकि राहिल का जो बर्ताव है बच्चों उससे दादी माँ को जो है वो इसके बर्ताव का असर दादी माँ पर पड़ता था, राहिल के बर्ताव का असर दादी माँ पर पड़ता था और दादी माँ जो है वो उदास हो जाती थी। तो ये तकलीफ को किसने देखा? राहिल की अम्मी अब्बू ने देखा और उन्हें राहिल को जो है अपनी गलती का एहसास दिलाया। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? राहिल ने अपनी दादी अम्मा से राहिल ने अपने दादी माँ से मोहब्बतदार बातचीत करनी शुरू लग वेरी गुड, शाबाश, राहिल ने फिर अपनी दादी माँ से जो है वो मोहब्बत से बातचीत करने लगा और इसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बर्ताव में तब्दीली की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। तो हमारे बर्ताव का जो है सामने वाले पर असर होता है और उसी से जो है हमारे अंदर एहसास पैदा होता है। अगर हमें अपनी गलती का एहसास अगर हो जाएगा तो हम उस गलती को क्या करते हैं, सुधार लेते हैं, जिस तरह से राहिल ने सुधार लिया। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। तो यही कहलाता है बच्चों हसासियत। हमें अपने आसपास के लोगों की तकलीफों को समझना है, उनकी मुश्किलात को समझना है और वक्त पड़ने पर उनकी मदद करना है, यही हसासियत कहलाता है। अच्छा बच्चों हमारे घर में जो जयीफ शख्स होते हैं, बूढ़े शख्स होते हैं, उनके तई हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है? हाँ आपके घर में आपके दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनके तय हमारा क्या फर्ज होता है? हमारे घर में जो बूढ़े शख्स होते हैं उनके साथ हमारा बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? उनके साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए अच्छा और होना, अच्छा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा बच्चों हमें उनकी मदद किस तरह से करनी चाहिए जो बूढ़े शख्स होते हैं? हमें उनकी मदद हर काम में करनी चाहिए और वो सामान लाने बाहर नहीं वेरी जा गुड, सकते तो हमें उनके साथ जाना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। अफरा ना, अफरा ने आंसर दिया है ना, अफरा वसीम, तो टीचर मैं आज का फातिमा अजका फातिमा। अच्छा दोनों के माई कौन है? ठीक है वेरी गुड बेटा। तो बच्चों जो बूढ़े शख्स होते हैं, महनूर आपके माइक से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। पार्ट बच्चों जो बूढ़े मेरा शख्स अनम्यूट होते हैं आया जो था, ऑप्शन बंद जयी कर दी मैंने। जयी हाँ जयीफ इंसान होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हमारी तरह जो है वो तेज दौड़ नहीं सकते, हमारी तरह जो है वो दुकान से सामान वगैरह जो है वो नहीं ला सकते, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चाहिए हाँ उन्हें जो है दवाइयों की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की उन्हें जरूरत होती है, तो हमें यस उनको टाइम हमें उनको सब सामान वगैरह जो है लाकर देना चाहिए। और और टीचर ऊंची जगह रखी हुई चीजें भी थी। वेरी गुड, ऊंची जगह अगर कोई चीज रखी है, कोई सामान रखा है तो उन्हें निकाल कर देना चाहिए। अगर सुई में धागा पिरोना है तो वो भी हमें उन्हें धागा पिरो कर देना चाहिए। अच्छा बूढ़े इंसानों की मदद क्यों करना चाहिए बच्चों?
मिस क्योंकि पूरे इंसान से बड़े थे तो उनसे कमजोर होते हमें मदद की थी। हाँ रिपीट कीजिए बेटा आंसर आपका। टीचर की जो इंसान थे वो जब बड़े तो उन्होंने हमारी मदद की थी। बूढ़े इंसान जो होते हैं उनकी मदद क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए बच्चों? क्योंकि वो हमारी तरह जो है वो भाग दौड़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? और वो हाँ वो कमजोर होते हैं ना, वो ज़हीफ हो चुके हैं, उनके जो आज़ा है वो कमजोर हो चुके हैं, वो हमारी तरह जो है वो चुस्त और तंदुरुस्त नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आ जा नहीं सकते ज्यादा। वो इतने सेहतमंद होते हैं कि हमारी तरह इसलिए हमें उनकी मदद करना चाहिए। अच्छा आप उनकी क्या क्या मदद कर सकते हो आपके घर में? अगर आपके दादा दादी है या नाना नानी वगैरह है आपके पड़ोस में है तो आप उनकी क्या क्या मदद? हम उन्हें वक्त पर खाना देते पहुंचाते और उन्हें दवाइयाँ भी पहुंचाते हैं। वेरी गुड। और जरूरत पड़ने पर उनकी मालिश करते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा। आज का अच्छा बच्चों, जो हमारे घर में जो ज़ईफ जो हमारे दादा दादी वगैरह होते हैं तो दिन भर घर पर रहते हैं ना, वो हमारे घर पर अक्सर औकात दादा दादी नाना नानी दिन भर घर पर रहते हैं, तो अपने बच्चे और पोते पोतियों से बात करना इनका जो है वो वाहिद मशगला होता है। वो घर पर होते हैं, जैसे ही देखिए जब भी हम स्कूल से आते हैं तो उनको इंतजार रहता है कि कब मेरा पोता या पोती स्कूल से आए, और वो दिन भर की वो हमसे बातें पूछते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा ये चीज? यस टीचर। हाँ आपके दादी दादा हो गए तो आपको बहुत प्यार करते होंगे जब आपको हाँ आप स्कूल से आते तो आपका इंतजार करते, फिर आने के बाद पूछते चलिए बताइए आज स्कूल में क्या हुआ। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछते होंगे आपसे कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया ऑनलाइन क्लास में, आज आपने क्या आंसर दिए। और जब आप कुछ बताते कि आज टीचर आज मुझे ये प्राइज मिला या टीचर ने जो है मुझे वेरी गुड कहा एक्सीलेंट कहा मुझे शाबाशी मिली, तो वो फख्र महसूस करते हैं, वो हमारे तई जो है वो फख्र महसूस करते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है बच्चों। तो दादा दादी का मशगला क्या होता है अपने बच्चों और पोते पोतियों से? दादा दादी का वाहिद मशगला क्या होता है बच्चों चलिए बताइए? अपने पोता पोती से बात करना। वेरी गुड, शाबाश, अपने पोता पोती से बात करना। अच्छा हमें दादा दादी से मोहब्बत से क्यों बातचीत करना चाहिए? ताकि उन्हें बुरा ना लगे। क्यों मोहब्बत से पेश आना चाहिए उनके साथ? क्योंकि हम अगर उनसे मोहब्बत से बात करें तो उन्हें क्या मिलेगी बच्चों? खुशी। खुशी, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। यस खुशी मिलेगी, इसीलिए हमें उनसे मोहब्बत से बातचीत करना चाहिए। अच्छा बच्चों हमारे घर में अगर कोई मरीज होते हैं तो हमारी क्या ख्वाहिश होती है? हमारे घर में अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, कोई बीमार है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शाबाश, वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं उनके लिए अच्छा होने के लिए? देखने जाते हैं, फल फूल लेके आते हैं, उन्हें रोजाना देखते हैं, फल फूल लेके आते हैं। यस वेरी गुड, हम उनकी देखभाल करते हैं। हाँ और हमें सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है मरीज की देखभाल करनी चाहिए बच्चों। डॉक्टर जो हमें सजेस्ट करते हैं, जो मशवरा देते हैं, जो इलाज देते हैं, हमें वही करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये जो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं मंत्र तंत्र मंत्र बीमारी दूर करने के लिए तावीज़ वगैरह ये सब जो करते हैं, इस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी का इलाज कहाँ होता है? हॉस्पिटल से होता है। हमें अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमें दुआएं करनी चाहिए, और डॉक्टर के मशवरे से हमें उसका मुताबिक जो है वो मरीज की देखभाल करनी चाहिए। अच्छा हम मरीजों की मदद किस तरह करें बच्चों चलिए बताइए? और उनसे रोज मिलने के लिए आए ताकि उनका दिल बहलता रहे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मरीज की देखभाल किसके मशवरे के मुताबिक करें? डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। वेरी गुड तज़किया अब्दुल वहाब, वेरी गुड बेटा।
चलिए अब ये तो यहाँ तक हमने देखा था, अब आज टीचर जो है आपको ये बताएंगे कि मखसूस जरूरतमंद अफराद के तई हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। मखसूस जरूरतमंद अफराद किसे कहते हैं बेटा? जो बूढ़े होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो जिन्हें मदद की जरूरत हो। तो बच्चों सिर्फ बूढ़े इंसान जो है वो मखसूस जरूरतमंद वाले अफराद नहीं होते हैं। बूढ़े जो इंसान होते हैं, जो जईफ इंसान होते हैं, वो तो कमजोर जईफ होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन जो मखसूस जिनकी कोई खास जरूरत होती है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मखसूस जरूरतमंद वाले अफराद जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या है इनकी जरूरतें तस्वीर? टीचर, एक तस्वीर में एक लड़की है तो हाँ? वो अंधी है तो उसे दूसरी लड़की रोड क्रॉस करवा रही है। हाँ तो इसकी ये क्या है बच्चों? ये नाबीना है। हाँ ये अंधी है, नाबीना है, तो इसकी क्या ये जरूरत है ना, इसकी कोई खास जरूरत है, यानी कि वो इसकी मखसूस जरूरत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से आ जा नहीं सकती है। अब यहाँ पर देखिए इस शख्स को ये दोनों पैर से क्या है, ये दोनों पैर से लग रहा है। हाँ माजूर है, दोनों पैर से माजूर है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें से कुछ एक पैर से माजूर है। हाँ किसी को जो है दोनों पैर से माजूर है। तो ये जो होते हैं ऐसे शख्स, ऐसे लोग, ये होते हैं मखसूस जरूरतमंद अफराद। ये क्या कहा जाता है बच्चों? मखसूस जरूरतमंद अफराद, जिनकी मखसूस जरूरतें होती है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में पहले जो है वो पोलियो की बीमारी जो है वो पैदाइशी बीमारियां हादसे की वजह से बाज अफराद माजूर हो जाते हैं। देखिए बच्चों ये जो माजूरी है ना, ये इनकी जो जरूरतें हैं, तो ये इनकी बीमारी जो है किसी हादसे के तहत होती है, या कोई पैदाइशी जो है नाबीना होता है, अंधा होता है, गूंगा होता है, पैदाइशी बहरा होता है, या फिर कोई इंसान किसी एक्सीडेंट में, किसी हादसे में जो है उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, किसी की दोनों आंखें चली जाती है, कोई बहरा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है किसी हादसे में, तो ये चीजें जो होती है ना बच्चों, इंसान को, इंसान की जो माजूरी होती है, इंसान जो है इसकी मखसूस जरूरतें जो होती है, इंसान जो माजूर होता है, या तो वो पैदाइशी होता है यानी कि पैदाइशी उसको बीमारी होती है, या किसी हादसे की वजह से होती है, तो ऐसे अफराद जो है वो माजूर हो जाते हैं। पैदाइशी बीमारी होती है या किसी हादसे की वजह से, किसी एक्सीडेंट के तहत बाज अफराद माजूर क्यों हो जाते हैं बच्चों? चलिए बताइए, अभी टीचर ने आपको बताए हैं बाज अफराद माजूर इसलिए हो जाते हैं कि शाबाश। अच्छा मखसूस सहूलतों और मदद की जरूरत किसे होती है? किसे होती है? और माजूर होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। ज़ईफ और माजूरों को जो है वो मखसूस सहूलतों की जरूरत होती है। शाबाश, वेरी गुड। क्या आप जानते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? पोलिया की बीमारी। वेरी गुड, शाबाश। ये जो है पोलियो की बीमारी है, जो पैर की जो माजूरी होती है, पहले जो है हमारे मुल्क में ये बीमारी जो बहुत ज्यादा देखने में नजर आती थी, लेकिन अभी इसका जो है वो खात्मा हो चुका है हमारे मुल्क से, क्योंकि पोलियो खात्मा मुहिम जो है वो हमारे मुल्क में जो है ये चलाई गई और इस पर बहुत ज्यादा जो है वो काबू पा लिया गया है। और हमारे मुल्क की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो आलमी इदारा सेहत है, जो पूरी दुनिया के पूरे ममालिक के जो है बीमारियों का जो है वो देखती है जो इदारा है, तो इसने जो है हमारे मुल्क की काफी तारीफ भी की है। और आप जानते हैं कि दो बूंद जिंदगी के ये जुमला जो है किसके लिए मशहूर है, किसके ताल्लुक से है ये जुमला? दो बूंद जिंदगी के ये जुमला जो है किसके ताल्लुक से है? ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है बच्चों? पोलिया। पोलियो। तो ये जुमला किसके ताल्लुक से मशहूर है?
पोलियो के ताल्लुक से कहा जाता है। दो बूंद पिलाए जाते हैं ना, 0 से लेके 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हाँ पोलियो पिलाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उन्हें जो है वो इस तरह से घर पर आकर या हॉस्पिटल्स में जो है ये पोलियो जो है वो पिलाया जाता है। देखा या नहीं आपके घर में आपके भाई बहन हैं, आपने भी जो है बचपन में पिया होगा ये पोलियो, हाँ यस सभी मिस बच्चों को पिलाया जाता है पिया बेटा। अच्छा बच्चों पता है आपको कि मरीज की देखभाल करने के लिए आजकल जो है वो रोबोट का इस्तेमाल किया रोबोट। जा रहा है। हाँ यस टीचर रोबोट का जो, मिस दवा बड़े हाँ बड़े 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 हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े शहरों में जो है आजकल रोबोट जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये मरीज की खिदमत करता हुआ रोबोट है। तो क्या बच्चों ये मरीज जो है, क्या रोबोट जो है वो इंसान की जगह ले सकता है क्या? मरीज रोबोट से खिदमत लेने में क्या मजा आएगा क्या आपके पास? तो अगर मिस कोई, वो टीचर वो तो एक मशीन है ना, सिर्फ मशीन है ना, मशीन मशीन इंसान की जगह थोड़ी ना ले सकती है। वो आपको खुश कर सकता है, उसके अंदर जज्बात होते हैं क्या, एहसास होते हैं? वो तो आप जितना उसको ऑर्डर देंगे वो आपका उतना ही ऑर्डर फॉलो करेगा। वो आपको, आप उसको बोलेंगे दवा ला कर दो, वो दवा ला कर देगा। आप उसको बोलोगे पानी ला कर दो, वो पानी ला कर देगा। तो मशीन कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता है, उसके अंदर जज्बात नहीं होते। हमें लोगों के साथ हंसने में बोलने में इतना मजा आता है, तो एक मशीन के साथ ये सब चीजें हो सकती है क्या? मुमकिन हाँ है, टीचर नहीं हो इंसान जो है वो सकती उकता वो। जाएगा। चलिए अब हमारा कुछ पार्ट रह गया है बच्चों, देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये कौन सा खेल खेल रहे हैं बच्चे? मिस छुपन छुपाई नहीं आंख मच यस आंख मचोली। वेरी गुड, टीचर आपने खेला है आंख मचोली? मैंने क्या बहुत बार खेली होता है हूँ। देखिए इस खेल में क्या होता है? मिस आंख टीचर जिसके एक ऊपर आ जाता है तो उस पर एक रुमाल या कपड़े से उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है हाँ और जब, वो जिसको भी पकड़ता है उसके ऊपर आ जाता है हाँ तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, जब हाँ आँख पर और पट्टी रात बांधी, हो जाता है। हाँ आँख पर पट्टी बांधी जाती है बच्चों, तो क्या हमें नजर आता है? नो मिस कुछ नजर नहीं आता, कुछ बस नजर नहीं पीछे आता है कुछ ना, होता कुछ है आता। नजर नहीं आता है, हम हमें कुछ दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। हम कैसे हो जाते, नाबीना हो जाते, अंधे हो जाते। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो हमें करके देखना है। हम क्या करेंगे, एक दो बच्चों में मुकाबला रखेंगे। आइए ये करके देखिए, दो लड़के हैं, एक की आंख पर हमें पट्टी बांधना है और एक की आंख पर जो है पट्टी नहीं बंधी होगी। दोनों में हमें दौड़ का मुकाबला लेना है। तब तो आप बताइए कि क्या हुआ? क्या हुआ, कौन जीता मुकाबला, किसने मुकाबला जीता बताइए? जिसके लगी हुई हाँ है जिसकी आंख पर पट्टी नहीं बंधी थी वो तो जीत गया, वो तो आगे चला गया, लेकिन जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है वो तो पीछे रह गया बच्चों। मिस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम आंख पे पट्टी लगा के उनको ढूंढती है और ऐसी हाँ जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें खतरा है। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत सही कहा आपने। अच्छा बच्चों अगर आपका साथी अगर आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? खराब लगेगा ना, हमें बुरा फील बुरा लगेगा ना आपको, अगर आपका ऐसा साथी आपको, होगा। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, आपके आपके पट्टी बंदी है, कोई आपको छोड़कर चला जा रहा है ऐसी हालत में, तो आपको कितना खराब लगेगा। तो बच्चों देखिए दुनिया में ना कई लोग ऐसे हैं जिनको आंखों से नजर नहीं आता है, कानों से सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकते हैं, वो चल नहीं सकते, चलने के लिए जो है वो उनको इस तरह से व्हील चेयर या कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है। हाँ हाथ में जो है इस तरह का जो है वो सहारे की मदद से उनको चलना पड़ता है। तो दुनिया में ऐसी कई लोग हैं, ऐसे कई अफराद हैं जिनकी कोई खास जरूरतें हैं, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते सही से, सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के तई हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ अगर हमारे अतराफ में, आसपास में हमें ऐसे इंसान मिले तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? मदद करनी मदद चाहिए, मदद करनी चाहिए। देखिए मदद बच्चों सिर्फ हमारे आंख पर अगर पट्टी नहीं, करनी हाँ हम अगर कुछ वक्त के लिए हमारी आंख पर पट्टी बांध लेंगे तो हमें नजर नहीं आता है, हम बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान, जो शख्स जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तो हमेशा परमानेंटली जो है उन्हें नजर नहीं आता है, उनकी आंखें जो है वो नाबीना होते, दोनों आंख से वो जिंदगी भर देख नहीं सकते। तो ऐसे कई लोग हैं दुनिया में, तो
तो ऐसे लोगों के साथ हमारा जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो फर्ज है, वो हमारा फर्ज क्या है बच्चों, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए कुछ खास जो है वो सहूलतें भी होती है। आप इस शख्स को देख सकते हैं, ये शख्स जो है वो नाबीना है, ये दोनों आंखों से देख नहीं सकते, इनके हाथ में एक सफेद छड़ी है। हाँ, जो नाबीना शख्स होते हैं वो सफेद छड़ी लेकर, हाँ सफेद लाल छड़ी लेकर या फिर सफेद छड़ी लेकर जो है वो रास्ते पर चलते हैं। ये छड़ी की मदद से ही चलते हैं रास्ते पर। अब बच्चों रास्ते पर तो ये छड़ी का इस्तेमाल करके चल लेते एक जगह से, महसूस करते हैं कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है जैसे वगैरह। लेकिन बच्चों देखिए सब जगह जो है इनको आसानी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। जब हम देखिए कुछ वक्त के लिए हम आंख मचोली खेलते हैं तो कैसा हमें नजर नहीं आता है ना, हम गिर जाते हैं, कई बार हम गिरते हैं उठते हैं, कहीं हम टकरा जाते हैं किसी पेड़ से, दीवार से, किसी चीज से टकरा जाते हैं। हाँ, अगर रास्ते में गड़ा होगा वहां गिर जाएंगे, खेलते खेलते भी हमें महसूस होता है ना ये चीजें। तो ये तो बेचारे दोनों आंखों से नाबीना है तो इनको कितनी दुश्वारियां होती होगी, इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा ना। तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, तो इसके लिए जो है कुछ सहूलतें रखी गई है। अब ये इस रास्ते पर तो इस छड़ी का इस्तेमाल करके चल सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर उन्हें इस बिल्डिंग में जाना है, किसी इमारत में जाना है, तो उनके लिए जो है वो कुछ खास सहूलतें जो है वो जरूरत रखने वाले जाता है। कई सहूलतें हैं बेटा, वो नाबीना शख्स यानी कि रैंप जो बनाया जाता है ना, जो पैर से माजूर होते हैं उनके लिए होता है। तो बच्चों देखिए ये जो लिफ्ट होती है ना बिल्डिंग में, हम ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे बिल्डिंग में रहते हैं उन्हें पता होगा, बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, बटन्स होते हैं। जैसे हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो हम एक नंबर दबाएंगे, सेकंड पे जाना है तो एक नंबर, दो नंबर। तो इस तरह से जो माजूर अफराद होते हैं उनके लिए ये जो नंबर होते हैं उसके नीचे देखिए कुछ डॉट्स बने होते हैं। अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया है तो, अगर आपके आप बिल्डिंग में रहते हैं या फिर नहीं भी रहते तो आपके आसपास होगा तो आप देख लेना। आप कहीं मॉल वगैरह में जाओगे, हाँ कहीं पर भी जाओगे घूमने के, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये नंबर के नीचे डॉट बने होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो इसकी मदद से छूकर जो है वो नाबीना शख्स जो है वो बटन दबाते हैं और अपनी मंजिल पर अपने इस पर पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चों जो वोटिंग वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो जो वोटिंग की जो मशीन होती है उस पर भी जो है इस बटन के सामने देखिए ये उभरे हुए नुक्ते होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके इसको छूकर जो है वो महसूस करते हैं। हम जो है किताबों में देखकर पढ़ते हैं ना, देखकर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दोनों आंखें दी है तो हम देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नाबीना शख्स होते हैं उन्हें नजर नहीं आता, तो वो जो है छूकर महसूस करते हैं और वो उस तरह से समझते हैं और वो पढ़ते भी हैं और उसको समझते भी हैं। उसे कहते हैं बच्चों ये जो उभरी हुई जो डॉट नजर आ रहे हैं, नुक्ते नजर आ रहे हैं, तो ये है ब्रेल तर्ज तहरीर। ये नाबीना शख्स जो छूकर जो तहरीर लिख या पढ़ सकते हैं उसे कहते हैं ब्रेल तर्ज तहरीर। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, हाँ जो हमारी जो हरफ तहजी होती है, बिल्कुल इसी तरह से नाबीना लोगों के लिए भी जो है अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन हमारे अल्फाबेट्स में इस तरह से डॉट बन नहीं होते। देखिए यहाँ पर ये कागज पर जो कुछ लिखा हुआ है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है। तो जो नाबीना शख्स होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो इसको छूते हैं, इन नुक्तों को, ये उभरे हुए जो नुक्ते होते हैं उसको छूते हैं, महसूस करते कि क्या लिखा हुआ है। वो कागज पर उभरे हुए नुक्तों को छूकर नाबीना अफराद जो है वो लिखा हुआ जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी ए है तो ए में देखिए ये एक डॉट उभरा हुआ होगा, बी में देखिए इस तरह से ये यहाँ पर बी दो डॉट उभरे हुए होंगे, सी में इस तरह से दो डॉट उभरे हुए होंगे। तो आपकी किताब का जो पेज नंबर 124 है तो उसपे जो है ब्रेल अल्फाबेट, इसको ब्रेल अल्फाबेट कहते हैं बच्चों। तो आपकी किताब का पेज नंबर 124 पर ब्रेल अल्फाबेट दिए हुए हैं और आप लोगों को एक एक्टिविटी भी करनी है कि आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है इन अल्फाबेट्स की मदद से, अपने दोस्त या सहेली का नाम लिखना है। देखिए ये वाली जो है आपकी किताब में अल्फाबेट्स दिए हैं, नंबर्स भी दिए हुए हैं 1 2। देखिए टीचर ने देखिए अपना नाम जो है यहाँ पर लिखे हैं, ये एस टू। देखिए यहाँ पर ये जो एस है, देखिए एस किस तरह से अल्फाबेट से, ये 1 2 3 इस तरह के नुक्ते उभरे हुए होंगे। यू में इस तरह से रहेगा, हाँ एन में इस तरह से रहेगा। तो ये आप भी जो है अपना नाम जो है इस तरह से बना सकते हैं। आपको कागज पर अगर बनाना होगा तो आप ऐसे कागज पर जो है वो इस तरह से उभार कर वो बना सकते हैं।
तो नाबीना लोगों के लिए, नाबीना जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए जो है इस तरह की ब्रेल तर्ज तहरीर होती है, वो छूकर जो है उसको महसूस करते हैं और उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों जो लोग पैर से माजूर होते हैं उनके लिए रैम्प होता है। अभी किसी बच्चे ने कहा कि मिस रैम्प, तो बच्चों रैम्प जो होता है वो अंधे लोगों के लिए नहीं होता है, नाबीना शख्स के लिए नहीं होता है, जो जो पैर से, दोनों पैर से माजूर होते हैं उनके लिए ये रैम्प होता है। आपने किसी जगह देखा होगा गार्डन्स वगैरह में या फिर हॉस्पिटल्स में इस तरह का जो है वो बनाया जाता है। हमारे स्कूल्स में होते हैं ये रैम्प बने हुए, आपकी स्कूल में भी होगा, हर स्कूल में होता है ये रैम्प बना हुआ। अभी तो हाँ, अभी तो जो है हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अभी चेयर ही ऐसी आने लगी है कि अभी रैम्प की जरूरत नहीं है। अब ये चेयर जो है हम इन सीढ़ियों पर जो है वो आसानी से जो है वो चेयर पर बैठकर चढ़ सकते हैं ये लोग, ना माजूर शख्स आराम से, रैम्प की भी जरूरत नहीं है। ये दूसरे ममालिक में जो है ये चीजें आ चुकी हैं। तो ये जो पहियों वाली कुर्सी होती है बच्चों, इसकी मदद से जो है इन लोगों को कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, हाँ किसी भी इमारत में जाने के लिए इनको इससे आसानियां होती है। तो ये सहूलतें इन अशखास के लिए होती है, जरूरतमंद वाले अफराद के लिए। इसके अलावा बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ इशारे कर रहे हैं लोग, नजर आ रहा है आपको? यस टीचर। हाँ, पहली तस्वीर में देखिए ये कुछ इशारे के जरिए होठ हिलाकर कुछ बता रहा है, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है ये? उंगली से कुछ करा रहे हैं। हाँ देखिए उनकी जो होठ है, होठ हिल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? नो टीचर। इशारों की मदद से। तो बच्चों जो गूंगे बहरे लोग होते हैं उनके लिए इशारों की जुबान होती है। आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में देखा होगा, न्यूज पर जो न्यूज आती है तो दो लोग एक बाजू में जो एक बैठी होती है लेडी, वो इस तरह से हाथों से जो है वो इशारे करके जो है वो बताती है, और एक जो है वो बोलती है, देखा होगा आपने न्यूज पर? नहीं देखा? मेरी खाला भी ऐसे इशारे करके बताती है। हम गेम भी खेलते हैं ना बेटा स्कूल में इशारे की वजह से। देखिए फर्स्ट में देखिए ये क्या कह रहा है, बेबी बेबी यार। हाँ, ये बॉल बॉल। हाँ तो ये समझ में आ रहा है ना हमें इशारों की मदद से। तो जो गूंगे बहरे अफराद होते हैं तो उनके लिए भी मखसूस सहूलतें होती है, वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते है ना, तो उनके लिए जो है वो इशारों की मदद से बोलते हैं। हाँ, और सुनने के लिए वो देखकर जो है वो देख सकते हैं, तो देखकर जो है वो इशारों को समझते हैं और उसकी मदद से वो समझ जाते हैं। तो गूंगे बहरे जो अफराद होते हैं उनके लिए कौन सी जबान होती है? इशारों की जबान होती है। ये देखिए ये जो हाथों के इशारे हैं, ए के लिए जो है ये इशारा, बी के लिए ये इशारा, सी के लिए ये इशारा, ये डी के लिए इशारा, हमारी बुक पे है। हाँ, आपकी किताब में है बच्चों, पेज नंबर 125 पर। तो बहरे गूंगे जो अफराद होते हैं उनके लिए इशारों की जबान होती है, और इसके अलावा उन्हें जो है कहने के लिए जो है होठों की हरकत देखकर कहीं भी बात समझने का तरीका भी जो उन लोगों को सिखाया जाता है। जैसे नाबीना लोग होते हैं वो छूकर जो है वो तहरीर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसी तरह से जो बहरे अफराद होते हैं उनको धीरे धीरे अगर हम बोलेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम कहेंगे, जैसे ये यहाँ पर ये जो शख्स है ये कह रहा है, तो बिल्कुल इस तरह से अगर हम आहिस्ता कहेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, तो वो आसानी से जो है हमारी बात को सुन भी समझ सकते हैं। और टीवी पर जो है इनके लिए जो खबरें आती है वो इसी तरह से, देखिए यहाँ पर ये लेडी है, यहाँ पर अभी आप न्यूज चैनल पर देखोगे ना बेटा तो आपको पता चलेगा कि न्यूज चैनल पर जो न्यूज आती है तो वो इस तरह से एक न्यूज जो है वो लेडी इस तरह से बोलती है तो हम सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाजू में ही देखिए एक दूसरी बैठी रहती है, वो सिर्फ इशारे करती है। वो जो होता है वो गूंगे बहरे अफराद के लिए होता है। तो समझ में आया बच्चों, जो नाबीना शख्स होते हैं वो छड़ी का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेल तर्ज तहरीर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। जो माजूर पैरों से माजूर शख्स होते हैं उनके लिए रैम्प होता है, और जो गूंगे बहरे अफराद होते हैं उनके लिए इशारों की जबान होती है। तो बच्चों इससे हमारे आप लोगों के क्या समझ में आया, ये हमारी हसासियत क्या है? हम इन लोगों की जो है वो मुश्किलात को समझते हैं, मुश्किलात को समझते हुए हमें हम इनकी क्या करते हैं बच्चों, मदद करते हैं, और इनके लिए कुछ सहूलियात भी होती है
और यही क्या कहलाता है, हमारी हसासियत कहलाता है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की परेशानियों को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, यही कहलाता है हमारी हसासियत। समझ में आया आप लोगों को बच्चों हमारा सबक क्या यस था? मी मेरी यस जिम्मेदारी और हसासियत। तो बच्चों जो मखसूस जरूरत रखने वाले जो अफराद है, हमें उनसे किस तरह से पेश आना चाहिए? मिस नरमी से, उनसे मिस नरमी नरमा से अच्छी मोहब्बत मोहब्बत से पेश से, हमदर्दी से हमें उनके साथ पेश आना आना चाहिए। और चाहिए। इसके अलावा बच्चों देखिए, अब हर जो मखसूस जरूरतमंद वाले अफराद होते हैं, जो नाबीना शख्स होते हैं, उनके लिए ब्रेल तर्ज तहरीर होती है, लेकिन जो सारी किताबें हैं तो वो उनकी तहरीर में नहीं होती है। कुछ कुछ जो होती है, जैसे हम जो हमारी जो कहानियों की किताबें होती है, वो सारी जो है उनको अवेलेबल नहीं होती है, उनके पास सारी चीजें मैसर नहीं होती है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी मदद करनी चाहिए, उनको चाहिए। कहानियां पढ़कर सुनानी चाहिए। हाँ, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, ये हमारी क्या है बच्चों, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हम हमारी है। पसंदीदा कहानी जो है, अगर हमारा कोई दोस्त है नाबीना, तो हम दोस्त या सहेली को पढ़कर सुना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बच्ची जो है कहानी पढ़कर सुना रही है अपने नाबीना दोस्त को। यहाँ पर ये लड़का जो है वो चेस खेल रहा है, तो अपने माजूर जो पैर से माजूर है उस दोस्त की जो है वो मदद कर रहा है। समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरह से हमें अपनी जिम्मेदारी को, मिस वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ना अपने दोस्त को अकेला फील ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आप जानते हैं बच्चों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों से नाबीना है, पैर से माजूर है, गूंगे हैं, बहरे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी जो है वो अपने काम में माहिर है। जैसे कि आपने इनको देखा होगा टीवी में, सीरियल्स वगैरह में, न्यूज़ चैनल्स पर या अखबार में कभी इनकी तस्वीर पर देखी होगी। यस देखे हैं आपने कभी इनको? कौन है मिस, ये? यस टीचर, हाँ, ये टीवी पर आते, टीचर हाँ, ये पैर से इनके, ये हाँ, पैर से नाबीना है लेकिन इनके साथ एक हादसा पेश आया था, इनको नकली पैर लगाने पड़े, और नकली पैर लगाने इनके के बावजूद भी इन्होंने अपने काम को जो है बच्चों जारी रखा। तो ये पैर से जो है वो माजूर है, लेकिन फिर भी पेशायत। देखिए ये बहुत अच्छी अदाकारा है, मिस टीवी इनको ना पर नकली पैर लगाना पड़ा और ना फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और डांस करते रहे। यस हाँ, ये बहुत अच्छी जो है भारतनाट्यम की जो है रकासा है, डांसर है, और इनकी अदाकारी भी जो है वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। ये रविंद्र जैन है जो, जिनको काफी जो है मौसीकी के लिए एजाजात मिले हैं, इन्होंने कई फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में जो है वो अपनी म्यूजिक दी है। अंधे हाँ, दोनों आंखों से बच्चों ये नाबीना है। अब ये देखिए जो है हाथ से माजूर है बच्चों, इनका नाम है शरद गायकवाड़। ये हाथ से माजूर होने के बावजूद भी बच्चों इन्होंने स्विमिंग में, तैराकी में जो है अपने मुल्क का नाम जो है वो काफी रोशन किया है। देखिए, हाथ ना होने के बावजूद, पैर ना होने के बावजूद भी लोग अपनी जिंदगी में जो है वो अपनी मुश्किलात, इन मुश्किलात का सामना करके भी जो है वो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़े। समझ में आया? तो हमें भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तो हमें तमाम चीजें दी है ना, हमारे तो सभी सभी आजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सही सलामत है। तो हमें कितना आगे जाना चाहिए। हाँ, पैर नहीं है फिर भी जो है वो अपना काम उन्होंने जारी रखा। हाँ, हाथ नहीं है फिर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है ना बच्चों, तो हम यस कितना कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज के सबक में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? मखसूस जरूरत रखने वाले अफराद के तई हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, फिर इशारों की जबान किसके लिए होती है, ब्रेल तर्ज तहरीर किसके लिए होती है, हाँ, और मखसूस जरूरत रखने वाले अफराद के लिए कौन कौन सी सहूलतें दी होती है, और उनका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करते हैं। ये तमाम चीजें जो है आज के हमारे इस लेसन में हमने देखा, और पिछला सबक भी जो है हमने वो रिवाइज कर लिया है। आप लोगों को सबक अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? यस हाँ, अच्छे से समझ में आया है ना। तो अभी आप लोगों के टीचर, लिए कुछ सवालात है, ठीक है, उन सवालों के जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, डैश की वजह से माजूर अफराद को पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने में सहूलत होती है,
ऑप्शन नंबर वन है रैम, ऑप्शन नंबर टू है ब्रेल। ब्रेल। माजूर अफराद को पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने में सहूलत होती है, किस चीज की वजह से सहूलत होती है? रैम की वजह से सहूलत होती है, आपका जवाब कौन सा सही है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, रैम की वजह से जो माजूर अफराद है वो कुर्सी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आ जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है बच्चों आपके लिए, बहरे गूंगे अफराद डैश जबान इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर या इशारों की जबान? इशारों की जबान, इशारों की जबान, इशारों की। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। नाबीना अफराद को डैश की मदद से सड़क पार करने में आसानी होती है, रैम या सफेद छड़ी? सफेद छड़ी, सफेद छड़ी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब सफेद छड़ी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आखिरी सवाल है आप लोगों के लिए बच्चों, पैदाइशी बीमारी या हादसे की वजह से कुछ लोग माजूर हो जाते हैं, सही है या गलत? सही। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने तमाम सवालों के जवाब जो है बखूबी सही दिए हैं और बहुत अच्छे से दिए हैं, और पूरे सबक को बहुत ही अच्छे से गौर से सुना समझा। तमाम बच्चों के लिए जो है शाबाशी टीचर की तरफ से, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं लेसन में। इतना अच्छा सबक हमने पढ़ा, आप लोगों ने इतने अच्छे से समझा। हाँ, इस सबक से हमने 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 क्या अच्छी बात सीखी बच्चों? ताली। क्या हमें एक अच्छी बात समझ में आई, हमें क्या तालीम मिली इस लेसन से? लेसन तो बहुत अच्छा था, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई टीचर को, कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखा हमने? चलिए टीचर बताते हैं, हमें ज़ईफ़ और माजूर, बहरे, गूंगे और नाबीना अफराद के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी आप बता सकते हैं अगर आपके जहन में अगर कोई बात है तो, और क्या आपको कुछ ऐसे समझ में आया सबक में, और क्या अच्छी बात आपने सीखी आज के सबक से? ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह इन तमाम बातों पर हम अमल करेंगे। जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं हम उनका एहतराम करेंगे, उनको वक्त देंगे, उनसे बातें करेंगे। हाँ, जो माजूर अफराद अगर हमें कहीं रास्ते में नजर आए तो हमें उनकी उनकी जो है वो मदद करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत से पेश आनी चाहिए। अगर हमारे स्कूल में भी कोई हमारा ऐसा दोस्त होगा तो हमें उनसे हमदर्दी से पेश आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ये सबक खत्म होता है बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क है कि जो मखसूस ज़रूरतमंद वाले अफराद हैं उसके लिए कुछ सरकारी मंसूबे होते हैं और उनके लिए कुछ तंजीमें जो है वो काम करती हैं, तो इसके बारे में आपको अगर मालूमात मिले या फिर गूगल से आप जो है सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप मालूमात हासिल कीजिए और आप अपनी नोटबुक में EVS 1 की जो है वो लिखिए। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप स्क्रीन शॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सो मच। इसका वीडियो मिल जाएगा बेटा आपको, सर भेज देंगे वीडियो। नहीं जी, सभी बच्चे जो है वो रोजाना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। हाँ, हमारे जो BMC एजुकेशन जो स्टैंडर्ड 4 जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, हर सब्जेक्ट के वीडियोस को इंशाल्लाह, अपने दोस्तों से सहेलियों से शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह बच्चों, हम मिलते हैं अगले लेसन में। जज़ाकअल्लाह।